बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि एक भाई ने मुझे बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अच्छा, ऐसे सवाल के ऊपर मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ? तमाम तर गैर मुल्की भाई जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हम सऊदी अरब में मुकीम हैं, ऐसे सवाल के ऊपर जब भी कोई वीडियो बनती है, ये जब भी कोई बंदा कमेंट करता है, उसके भाई नीचे जो बंदा जवाब देता है यानी के, तो उससे तमाम तर गैर मुल्कियों को फायदा होता है। आप भाई भी ये सवाल, अभी मैं आपको ये कमेंट दिखाता हूँ, उस भाई का सवाल दिखाता हूँ, आप भाई भी इसके मुतल्लिक अगर कोई किसी किस्म की आपके पास भी इंफॉर्मेशन हो तो आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरे समेत तमाम तर ये वीडियो देखने वालों को उससे फायदा होगा। तो सवाल क्या है, यहां स्क्रीन पर आप देख रखे होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं 2019 में छुट्टी पर आया था और वापस नहीं गया। न्यू कानून के मुताबिक किसी और वीजा पर सऊदी अरेबिया जा सकता हूं? तो भाई आपको मैं ये सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। ये 2019 में बंदा यहां से गया छुट्टी के ऊपर, खरूज पर नहीं गया था, छुट्टी के ऊपर गया था, बाद में सऊदी अरेबिया में नहीं आ सका। तो सबसे पहले आपको बता दूं, 3 साल की पाबंदी है, ये तो आपको पता होगा जी। अगर आप छुट्टी पर जाते हैं तो वापस नहीं जाते हैं, आपके ऊपर 3 साल की पाबंदी लगाई जाती थी सऊदी अरेबिया में, उसके बाद आप सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं। तो न्यू कानून के मुताबिक ये ऐलान भी कर दिया गया था, उसकी वीडियो भी आप भाई के साथ शेयर कर चुका हूं मैं पहले ही। क्या कि भाई अगर आप छुट्टी पर जाते हैं अभी सऊदी अरेबिया से और आप वापस नहीं आते हैं, तो आपको पहले 3 साल की पाबंदी थी, लेकिन अभी ताहियात पाबंदी यानी कि आप लाइफ टाइम के लिए सऊदी अरेबिया में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अगर आप छुट्टी के ऊपर गए और वापस नहीं आए, चाहे भाई फ्लाइट बंद होने की सूरत में, चाहे अपनी मर्जी की सूरत में, फ्लाइटें बंद है तो अपनी छुट्टी बढ़ाएं अपने कफील से बोलकर, यही इसका हल है जी। छुट्टी के ऊपर ताहियात पाबंदी है जी सऊदी अरेबिया में, दोबारा आप नहीं आ सकेंगे, ये तो होगा क्लियर। तो इस बंदे का जो सवाल है यानी कि 2019 में ये बंदा गया है, 20 और 21 चल रहा है जी, 1 साल या 1.5 साल का इसका टाइम अभी रहता है, उसके बाद यानी कि सऊदी अरेबिया में ये आ सकेगा यानी कि 3 साल के बाद या नहीं आ सकेगा। तो मैं आपको बता दूं भाई कि ये जो कानून जो मैंने आपको बताया है कि अगर आप छुट्टी पर जाते हैं वापस नहीं आते हैं तो ताहियात पाबंदी लगा दी जाती है, ये कानून अभी 14 मार्च से शुरू किया गया है। न्यू कानून में भाई इसका जिक्र किया गया है, पुराने बंदे जो पहले से गए हुए हैं छुट्टी के ऊपर यानी कि जैसे कि ये है जी 1.5-2 साल पहले गया हुआ है, तो आप भाई न्यू वीजा लेकर सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं क्योंकि आप आज से 1.5-2 साल पहले के गए हुए हैं। अभी 14 मार्च के बाद जो भी बंदा सऊदी अरेबिया से जाएगा छुट्टी के ऊपर और वापस नहीं आएगा, उसके ऊपर ये कानून लागू है जी कि उसके ऊपर भाई ताहियात पाबंदी लगा दी जाएगी सऊदी अरेबिया में। आप भाइयों को इसके मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। किसी और न्यूज के मुतल्लिक जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा।